बार फिर अपने चैनल वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपके पास LG इन्वर्टर AC है, स्प्लिट AC, उसमें CH05 एरर आ रहा है तो उसको कैसे हटा सकते हैं। तो जान लीजिए CH05 एरर क्या है। सबसे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था A6 एरर जो वोल्टास AC में है वो कम्युनिकेशन एरर होता है, इसी तरह से CH05 एरर LG इन्वर्टर AC में कम्युनिकेशन एरर होता है, उसी को इस वीडियो में हम हटाएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर थोड़ी भी आपके काम आती है। और चलिए तो इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ CH05 एरर किस तरह से हटाते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे 26 लिखा हुआ आ रहा है और अभी कंप्रेशर ऑन नहीं हुआ, तो कंप्रेशर ऑन करने का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से वायर आपको चेंज करने हैं, क्या नहीं करना। तो यहाँ देखिए पहले ऊपर जो इंडोर पे होते हैं वो कनेक्टर होते हैं, तो मैं आप कनेक्टर से भी देख सकते हैं, इधर की साइड से भी वायर देख सकते हैं या फिर आउटडोर की तरफ से भी देख सकते हैं, तो वायर के किस तरह कहाँ गड़बड़ है, किस तरह का वायर कहाँ शो नहीं हो रहा और कहाँ पे गलत वायर लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ अभी फ़िलहाल यहाँ हमारा इंडोर चल रहा है 26 पे और आउटडोर अभी नहीं चला। तो यहाँ देखिए LG ये इन्वर्टर AC है, तो इसमें आज मैं जो CH05 एरर है उसको बताने जा रहा हूँ किस तरह आएगा और किस तरह से आपको हटाना है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें, बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 26 अभी चल रहा है, अभी कंप्रेशन ऑन नहीं हुआ, 3 मिनट लगते हैं कंप्रेशन ऑन होने में, ये आपको सबको पता ही है कि यहाँ पे जैसे ही 3 मिनट लगते हैं कंप्रेशन ऑन होने में, तो हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही कंप्रेशन ऑन होगा तो यहाँ देखिए CH05 एरर शो हो गया, यहाँ ब्लिंक करना चालू कर देगा CH05। तो इसको ही आपको हटाना है, किस तरह से हटाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए CH05 आ रहा है, हमारा AC ऑन नहीं हो पा रहा है और इसको ही आज हमें ऑन करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप सीधा हम आउटडोर पे चलेंगे, आउटडोर पे ही सही यहाँ पे हमें काम करना है। आउटडोर में जैसे आप खोलेंगे आउटडोर को, वहाँ से हमें वायर चेंज करनी है। तो ये CH05 एरर जो हम हटाने जाने हैं आज, तो देखिए यहाँ पे कभी 05 पे ब्लिंक हो जाएगा, रुक जाएगा, कभी CH5 आता रहेगा, CH आता रहेगा। तो जब इसको हम हटाएंगे तो मैं आउटडोर पे ले चलता हूँ। आउटडोर पर देखिए यहाँ पे 3 वायर है, यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल असल में ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसको इस वायर को हमें चेंज करना है। तो न्यूट्रल इस वायर, ये जो वायर है ये न्यूट्रल कहलाएगा इसमें LG के इन्वर्टर AC में, तो यहीं इसको हम चेंज करेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे ये लाइन हो गई, और जो ये जो हमारा न्यूट्रल था, हम इसको न्यूट्रल समझते हैं बेसिकली, ये वाला ब्लू वाले को, ये ब्लैक वाले को, बट असल में ये न्यूट्रल नहीं है इस वाले AC में, हमें न्यूट्रल इसको समझना है, ये वाला न्यूट्रल है हमारा, ये अर्थिंग का हो गया। तो हम इसको ही इसकी चेंजेस करेंगे, यहाँ दोनों चेंज करने वाला हूँ मैं, और उसके दिखाता हूँ मैं आपको फिर चला के एक बार, यहाँ आप दिखाता हूँ मैं आपको चेंज करके, पहले ये चेंज कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ मैंने अब ये चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया वायर मैंने, यहाँ से न्यूट्रल को ये वाला था, ये वाला इधर से, इन दोनों को मैंने चेंज कराया है यहाँ से, ये वाला न्यूट्रल मैंने जो इसमें कर दिया है, और ये वाला अर्थिंग का हो जाएगा, अर्थिंग का नहीं कम्युनिकेशन का जो हो जाएगा इसमें आ जाएगा, अर्थिंग वाला हमारा ये आ गया। तो 3 वायर चेंज हो गए, अब देखते हैं हम नीचे चला के देखते हैं इसको एक बार, मैं आपको दिखाना है हूँ नीचे चला के, वेट करते हैं इसमें। ये बॉक्स हमने बंद कर दिया है, यहाँ से हमने इसको फाइनली बंद कर दिया है। अब नीचे चलते हैं हम एक बार, तो यहाँ देखिए अब 26 दोबारा चालू हो गया है, 26 मैंने ऑन कराया AC उद्योगी, यहाँ आउटडोर का इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया है और आउटडोर अब चल चुका है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वायर का ही खेल है जो वायर होती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडोर ऑन हो तो हुआ, और इंडोर पे मैं दिखाता हूँ आपको करीब ब्लोअर ले आके, ब्लोअर पे किस तरह से ये इंडोर ऑन हो चुका है हमारा। तो आउटडोर का जो इंडिकेटर है वो भी चालू हो चुका है, यहाँ आउटडोर चालू होकर अब कूलिंग आनी चालू हो गई है। देखिए अब तो ये देखिए इंडोर पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 23, 22, 21 नया टेम्परेचर ऑन अप डाउन कर रहा हूँ मैं, डाउन कर रहा हूँ तो, मगर इसमें अब यहाँ हमारा आउटडोर चल रहा है। तो AC अगर आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इंडोर के अंदर आपको, ब्लोअर को, ब्लोअर पे देखिए यहाँ ब्लोअर भी चालू हो चुका है,
तो हमारा ये एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी काम आती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके काम आएगी।